बुलंदशहर शिकारपुर एसडीएम के निर्देश पर सप्लाई इंस्पेक्टर ने की बड़ी कार्रवाई। अवैध रूप से घर पर रखकर बेचे जा रहे थे सिलेंडर। सिकंदराबाद में सिलेंडर फटने की घटना के बाद प्रशासन आया हरकत में। जगह जगह अवैध रूप से बेची जा रही सिलेंडरों पर प्रशासन कर रहा है कार्रवाई। एसडीएम शिकारपुर ने बताया कि अवैध रूप से सिलेंडर बेचने वाले, रिफिलिंग करने वालों के खिलाफ कार्रवाई जारी रहेगी। शिकारपुर तहसील क्षेत्र के कस्बा अहमदगढ़ में एसडीएम के निर्देश पर सप्लाई इंस्पेक्टर ने 9 सिलेंडर जब्त कर लिए। मामला है शिकारपुर तहसील क्षेत्र के अहमदगढ़ का। आपके द्वारा एक बड़ी कार्रवाई की गई है, जो अवैध रूप से सिलेंडर बेचे जा रहे थे, ऐसे व्यक्तियों को पकड़ा गया, उनके खिलाफ किस तरह की कार्रवाई की गई है और कितने सिलेंडर पकड़े गए? देखिए, कल जो है हम लोग को सूचना मिली थी कि अहमदगढ़ में मनोज कुमार पुत्र नेमपाल सिंह के द्वारा जो है अपने घर पे सिलेंडर रखे हुए हैं, उनका जो है होर्डिंग की जा रही थी और वहाँ पे रिफिलिंग इस तरह काम किया जा रहा था। उसके संबंध में तुरंत जो है सप्लाई इंस्पेक्टर जो क्षेत्र के हैं वहाँ के, उनको दोनों को भेजा गया और जांच में पाया गया कि वहाँ पे उनके यहाँ भंडारण किया गया है। तो उसके संबंध में तुरंत जो है उनके सिलेंडर जब्त किए गए हैं और पास की एक गैस एजेंसी है उसको सपोर्ट किया गया है और उसके साथ साथ ईसी एक्ट में उनके खिलाफ एफ आई आर भी कराई जा रही है। कितने सिलेंडर पकड़े गए सर? फिलहाल कब से काम कर रहा था ये? 9 सिलेंडर पकड़े गए हैं और ये पता चलेगा अभी जांच में कि कब से काम कर रहे हैं वो लोग। अच्छा सर, जिस तरह से जो छापेमार कार्रवाई की है, क्या ये छापेमार कार्रवाई अभी भी जारी रहेगी? ये जरूर जारी रहेगी, क्योंकि आप लोग भी देख रहे हैं कि कुछ टाइम पहले ही सिकंदराबाद में इस तरह के एक इंसिडेंट हुआ जहाँ सिलेंडर फटा हुआ है, फट गया है, जिसकी वजह से कुछ लोग की डेथ हो गई थी। तो हम लोग का ये काम रहेगा और हम लोग जनता से भी ये अपील करेंगे कि इस तरह का कहीं भी अवैध संचालन किया जा रहा है, जहाँ पे रिफिलिंग हो रही है या भंडारण किया जा रहा है, उसकी सूचना हमें बताएं और उस पर तुरंत कार्रवाई की जाएगी।